बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन हुज वर्टिसेस आर द फॉलोइंग। पार्ट ए में भी तीनों वर्टिसेस गिवन हैं, पार्ट बी में भी और पार्ट सी में भी तीनों वर्टिसेस गिवन है और एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करना है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मैंने और बुक एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए बी सी मिसाल की है, तो आप लोग वो देख लें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 12th क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मालूम करना है और वर्टिसेस हमें गिवन है। नंबर ए है, पॉइंट वन है 0 0, पॉइंट टू है 2 4 और पॉइंट थ्री है -2/2। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये हमारे साथ x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। ठीक है, तो एरिया हमारे साथ आ जाएगा x1 की जगह 0, y1 की जगह 0, 1 2 4 1 -2 2 1। एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, ये 0 है, इधर 0 आएगा -0 +1। हमारे साथ जब 1 हम ले लें तो हमारे साथ 2 2 4 आता है और -2 4 -8। और इधर हमारे साथ 1/2 भी है, एरिया ट्राइंगल में 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 एरिया इज इक्वल टू 1/2, ये 0 है और 4 माइनस माइनस से प्लस आता है, 4 + 8 = 12 आ जाए, मल्टीप्लाई बाई 12, तो एरिया हमारे आ जाएगा 12/2 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ पार्ट ए हमारे साथ मालूम हो गया। पार्ट बी में हमें वर्टिसेस गिवन है -1 -2, दूसरा वर्टेक्स गिवन है 2 5 और तीसरा गिवन है 5 2। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 y2 x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर है हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। सो एरिया इज इक्वल टू हाफ x1 की जगह -1, y1 की जगह -2, x2 की जगह 2, y2 की जगह 5 1, x3 की जगह 5, y3 की जगह 2 और 1। सो एरिया इज इक्वल एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, तो -1 ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट करते हैं, 5 1 = 5 -2 1 = 2। अगर ये हमारे साथ माइनस आता है लेकिन एक माइनस ये है और एक फार्मूली का है तो +2 आ जाएगा। ये रो एक कॉलम एलिमिनेट करते हैं, 2 1 = 2 -5 1 = 5 +1, ये रो कॉलम ये रो एलिमिनेट करते हैं, 2 2 = 4 -5 5 = 25। तो एरिया हमारे साथ आ जाएगा 1 1 2 -1, 5 - 2 से आता है 3 +2 2 - 5 से आता है -3 +1 और 4 - 25 से आता है -21। सो एरिया इज इक्वल टू 1 1 2 -3 -6 -21। तो एरिया इज इक्वल टू -30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -15। सो एरिया इज इक्वल टू +15 क्योंकि एरिया हमारे साथ अब नेगेटिव नहीं हो सकता, इज इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया हमारे साथ नेगेटिव नहीं हो सकता।
तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर सी है, टी वन फोर माइनस फाइव, फोर माइनस फाइव, टी टू पार्ट नंबर वन टू नंबर टू, फाइव माइनस सिक्स, अवर पॉइंट थ्री अवर टिप नंबर थ्री हमारे साथ है थ्री वन। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स वन डिटरमिनेंट ऑफ एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन और एक्स थ्री वाई थ्री वन। सो एरिया इज इक्वल टू वन ओवर टू एक्सपेक्ट पुटिंग वैल्यूज, ये एक्स वन है ये वाई वन है, फोर माइनस फाइव वन, फाइव माइनस सिक्स वन और थ्री वन वन, एक्स स्क्वायर वाई फर्स्ट रो। तो एरिया हमारा आ जाएगा वन ओवर टू, फोर माइनस सिक्स वन दर माइनस सिक्स, माइनस वन वन दर माइनस वन और माइनस फाइव, ये प्लस फाइव आ जाएगा क्योंकि एक माइनस ये है एक फार्मूले के दूसरे नंबर पे हम माइनस लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस आता है प्लस फाइव और फाइव वन दर फाइव, माइनस थ्री वन दर थ्री और प्लस वन, फाइव वन दर फाइव और माइनस है और माइनस ये है तो प्लस है, सिक्स थ्री जर एटीन। तो एरिया हमारा आ जाएगा वन ओवर टू, माइनस सिक्स माइनस वन से माइनस सेवन आता है, माइनस सेवन प्लस फोर से माइनस ट्वेंटी एट आता है, फाइव माइनस थ्री से टू आता है, टू फाइव जर टेन और एटीन प्लस फाइव से हमारा आता है ट्वेंटी थ्री। तो एरिया हमारा आ जाएगा ट्वेंटी थ्री प्लस टेन से हमारा आता है थर्टी थ्री आता है, थर्टी थ्री माइनस ट्वेंटी एट से फाइव आता है, फाइव डिवाइड बाई टू। सो एरिया इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव स्क्वेयर यूनिट्स। क्वेश्चन